Assalamu alaikum, dear students and parents. How are you? Hope you all are fine and safe. This is me, Sabiha, your teacher of playgroup. And today I will take your Urdu class. Let's begin our group lesson by reciting Tahaffuz. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tasmiya, bismillahir rahmanir rahim. First kalma tayyib. Tayyib means purity. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Dua for protection. Bismillahillazi la yazuru ma asmihi shayun fil arzi wa la fis samai wa huwa as-samiyul alim. Make sure that you have to read this dua on daily basis. Now let's revise all the shapes. Look at the first one. This is circle. This is circle. And the next one is square. I am Papa square. And the third one is triangle. Yes, first one is Mama circle, Papa square, baby triangle. Mama circle, Papa square, and baby triangle. Now it's Arabian time. Sab apna kaida open karenge aur hum harf te ko revise karenge, dohrai karenge te ki. Te ke upar kitne nukte hote hain? Do. Te ke upar do nukte. Te kya kehta hai? Ta. Te kehta hai ta. और ते किन किन चीजों का दोस्त है? तेता तराजू, तेता तितली, तेता तराजू, तेता तितली, तेता तराजू, तेता तितली. चलिए अब हम सारे अल्फाज अलिफ से लेके जाल तक फिर से पढ़ते हैं. ये कौन सा हर्फ है? अलिफ. अलिफ आ अंगूर. अलिफ आ अंगूर. अलिफ आ अमरूद. अलिफ क्या कहता है? आ. अलिफ क्या कहता है? आ. अलिफ आ अंगूर, अलिफ आ अमरूद. अलिफ मद आ. अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ मद आ. अलिफ मद दा आम. अलिफ मद दा से आड़ू. अलिफ मद दा आम. अलिफ मद्दा आड़ू. आम आड़ू. जी अलिफ मद्दा के बाद क्या आता है? बे. बे कहता है ब. बे कहता है ब. बे क्या कहता है? ब. बेबा बारिश, बेबा बतख, बेबा बस्ता. बेबा बारिश, बेबा बतख, बेबा बस्ता. बे के नीचे एक नुक्ता. बे के नीचे एक नुक्ता. बे के बाद क्या आता है? पे. पे कहता है प. पे क्या कहता है? प. पे कहता है प. और पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? तीन. पे के नीचे तीन नुक्ते. पे के नीचे तीन नुक्ते. पे प पतंग, पेपा पंखा. पेपा पतंग, पेपा पंखा. पे के बाद क्या आता है? ते. तेता तराजू, तेता ताला. ते कहता है ता. ते के ऊपर दो नुक्ते. ते कहता है ता. ते के ऊपर दो नुक्ते. ते के बाद टे आ जाए. टे कहता है टा. टे कहता है टा. टेटा टोपी, टेटा टमाटर. टे के ऊपर छोटी सी तोए. टे के ऊपर छोटी सी तोए. टेटा टोपी, टेटा टमाटर. टेटा टोपी, टेटा टमाटर. से. टे के बाद आता है से. से सा समर, से सा समर. से के ऊपर तीन नुक्ते. समर किसको कहते हैं? फल को, फ्रूट्स को.
यस सेसा समर। चले जी, जीम की फैमिली आ गई। जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम के पेट में एक नुक्ता। जीम जा जहाज, जीम जा जूते। जीम कहता है च, जीम कहता है ज, जूते जहाज। जीम के बाद चे, चे के पेट में तीन नुक्ते। चे के पेट में तीन नुक्ते। चे कहता है च, चे चा चांद, चे चा चाए, चे चा चूजा। हे बेचारा खाली, हे बेचारा खाली, ना कोई नुक्ता ऊपर ना कोई नीचे। हे किन किन चीजों का दोस्त है। हे हा हजाम, हे हा हिना। आपको पता है हिना किसे कहते हैं? मेहंदी को। और हिना कौन लगाता है? लड़कियां लगाती हैं। गुड। हे हा हिना, हे हा हजाम। खे, खे, खे कहता है खा, खे खा खरगोश, खे खा खरबूजा, खे खा खरगोश, खे खा खरबूजा। खे के सर पे एक नुक्ता, खे के सर पे एक नुक्ता। यस नाउ दाल, दाल कहता है द, दाल कहता है द, दाल दा दवा, दाल दा दरख्त, दाल दा दवा, दाल दा दरख्त। दाल के बाद क्या आता है? डाल, डाल के ऊपर छोटी सी तोए, डाल के ऊपर छोटी सी तोए। डालडा डॉक्टर, डालडा डिब्बा, डालडा ड्रम। डालडा डॉक्टर, डालडा डिब्बा, डालडा ड्रम। डाल के बाद आता है जाल, जाल जा जरात, जाल जा जखीरा, जाल जा जरात, जाल जा जखीरा। जाल कहता है जा और जाल के ऊपर एक नुक्ता। जाल क्या कहता है? जा और जाल के ऊपर एक नुक्ता। जाल जा जरात, जाल जा जखीरा। It's our activity time. It's our activity time. And the name of the activity is Durust Harf Ke Get Daira Lagayein. Durust Harf Ke Get Daira Lagayein. Chaliye shuru karte hain. Aur look at the board and tell me the name of this picture. Pata hai aapko ye kiski tasveer hai pehle wali? This one. किसकी? खरबूजे की। और खरबूजे का दोस्त कौन है? खे। खे के सर पे क्या होता है? एक नुक्ता। खे के सर पे क्या होता है? एक नुक्ता। तो चले ढूंढते हैं खे कहाँ है। ये खे है? नहीं, ये खे है जी। तो हम इसके गेट दायरा लगाएंगे ऐसे। चले अब ये किसकी तस्वीर है? हुक्के की। किसकी तस्वीर है? हुक्के की। और हुक्के का दोस्त कौन है? हे। हुक्के का दोस्त कौन है? हे। और हे बेचारा क्या होता है? खाली। हे बेचारा क्या होता है? खाली। ये हे है? नहीं, ये हे है। इसके तो पेट में तीन नुक्ते हैं, ये तो चे है। ये है बेचारा खाली है। तो हम इसके गेट दायरा लगाएंगे। गुड। अगली तस्वीर में देखें जहाज। किसकी तस्वीर है ये? जहाज की। और जहाज किसका दोस्त होता है? जीम जा का। किसका दोस्त होता है? जीम जा का। जीम के पेट में क्या होता है? एक नुक्ता। जीम के पेट में क्या होता है? एक नुक्ता। इसके पेट में एक नुक्ता है? नहीं, इसके पेट में एक नुक्ता है। तो ये क्या है? जीम। तो जीम हर्फ के गिर्द हम क्या करेंगे? दायरा लगाएंगे। गुड। अगली तस्वीर में देखिए आपको क्या नजर आ रहा है?
चाकू, ये क्या है? चाकू और चाकू किसका दोस्त है? जीम का? नहीं, चे का। चे के पेट में कितने नुक्ते होते हैं? 3। चलिए अब इसको चे के गेट दायरा लगा देते हैं, ठीक है। अब हम खे के ऊपर पेंसिल फेरेंगे। क्या करेंगे? खे पर पेंसिल फेरेंगे। पुट द पेंसिल ऑन द डॉट, गो लिटल अप, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, देन स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्लैंट लाइन बनाएंगे और इसकी बेली बना देंगे। फिर नुक्ते को डार्क करेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह पेंसिल रखेंगे डॉट पे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, स्ट्रेट आगे आएंगे, फिर इसको स्लैंट लाइन बनाएंगे और बेली बना देंगे, फिर नुक्ता। डियर पेरेंट्स, आप लैंग्वेज देंगे बच्चों को, देन पुट द पेंसिल ऑन द डॉट, गो लिटल अप, स्ट्रेट लाइन, देन स्लैंट लाइन एंड देन बेली, नुक्ता। फिर से स्ट्रेट लाइन, स्लैंट लाइन, बेली और नुक्ता। फिर गो लिटल अप, मेक अ स्ट्रेट लाइन, स्लैंट लाइन एंड देन बेली, नुक्ता। आपने इसको गलत मलत ट्रेस और नहीं करना और इसके नुक्तों को सर्कल नहीं बनाना, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग, दैट विल बी रॉन्ग। इसको अच्छे से और सही सही ट्रेस करना है इसके ऊपर ऊपर, ठीक है। बोलते जाएं, पढ़ते जाएं और लिखते जाएं। खे खे खा खरबूजा, खे खा खरबूजा, खे खा खरबूजा। And don't forget to do ref practice at home. This has done. Very good. Thank you.